वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं बारान रहमत एंड थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, बिकॉज यकीनन जुम्मे का ना सिर्फ इंतज़ार होता है बिकॉज वीकेंड शुरू हो जाएगा फॉर अ लॉट ऑफ अस, वी आर स्टिल वर्किंग। खैर, हम तो आपके साथ एक मैराथन की तरह हैं, पहली से लेके इंशाल्लाह ताला आखिरी तारीख जो रमज़ान मुबारक की होगी, आप रोज़ हमें लाइव देखेंगे तो हमारी तो कोई छुट्टी नहीं है। लेकिन हाँ, कई लोगों के लिए वीकेंड की शुरुआत है, घर में रहिए, लोगों से अपना जो रबता है उसको स्ट्रेंथन कीजिए, लेकिन इसके लिए फ़ेस टू फेस होना, मिलना जुलना या SOPs को ना फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले, जिस तरह कि मैंने आपसे कहा कि आज का बड़ा अहम दिन है, इससे पहले कि मैं आपको मेहमानों से इंट्रोड्यूस करूं, बाकी लोगों से इंट्रोड्यूस करूं, जो फतूहात का सिलसिला शुरू हुआ था इस्लामी तारीख में, उसके लिए आज पहली गज़वा यानी जो गज़वा बदर थी उसका हवाला देना बहुत ज़रूरी है। इस गज़वा से हमें बहुत सारे बहुत अहम असबाक मिलते हैं कि किस तरह आपने मुश्किल के सामने साबित कदम रहना है। एक ऐसी मुश्किल, एक ऐसा दुश्मन जो आपसे कई गुना बड़ा हो, जब लॉजिकली आपको लगता हो कि आपके पास कोई रीज़न नहीं है होपफुल होने का, कि आपका दुश्मन आपसे कई गुना बड़ा है, आप कमज़ोर हैं, शायद आपके पास वो वसाइल, वो हथियार नहीं हैं। लेकिन जिस तरह कहा जाता है कि जंगें हथियारों से नहीं, हौसलों से लड़ी जाती हैं, और पाकिस्तान की भी अगर हम तारीख की तरफ देखते हैं, हम कई दफ़ा अपने से कई गुना बड़े और कई गुना ज़्यादा वसाइल से लेस दुश्मन से निबर्द आज़मा हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला की मदद से हम हमेशा सुरखरू रहे हैं। और आज जबकि हम कहते हैं कि जंग का तरीका बड़ा बदल गया है, 5G वॉर है, हर तरफ से यलगार है, फिर भी हम जंगे बदर से कई असबाक सीख सकते हैं कि किस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों पे और एक साथ होकर यूनिटी के साथ आप किसी भी जंग को, किसी भी मुश्किल को आप जीत सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसके हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जंगे बदर की फतह के हवाले से, और प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। जी जनाब, इस रिपोर्ट को देखकर एक दफ़ा फिर हमारा ईमान ताज़ा होता है फतूहात को लेके, अल्लाह की मदद को लेके, कि जब भी हम किसी मुश्किल में घिरे होते हैं, अल्लाह ताला दस्ते गैब से हमारी मदद करते हैं। और बतौर एक मोमिन के, बतौर एक मुसलमान के, हम जब भी अल्लाह ताला से रुजू करते हैं अपनी मुश्किल में, तो दिल से आवाज़ हमारे निकलती है कि नस्र मिन अल्लाह फतहुन करीब, कि या रब फतह को मेरे से करीब रख। अच्छा, फतह के कई जाविये निकलते हैं, जो बज़ाहिर हमें अपनी शिकस्त लगती है, अल्लाह ताला अपनी मसलहत से उसके अंदर हमारे लिए फतह को पोशीदा भी रख सकते हैं। आज इसी हवाले से बात करेंगे कि मौजूदा दौर में यानी दौर हाज़िर में क्या मकसद है हमारा, जब हम बात करते हैं फतह का, कामरानी से, कामयाबी से हमारी क्या मुराद है। लेकिन आपके अपने मेहमानों से आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ जी। सबसे पहले आज सनाखवानी की, नाकवानी की सआदत हासिल करेंगे, गौहर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गौहर भाई, क्या हाल चाल हैं आपके? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। बहुत शुक्रिया आपको भी और आपकी पूरी टीम को। आज वैसे गर्मी बहुत है, ऐसा लग रहा है सब रोज़े से निढाल हो रहे हैं, लेकिन बात इस पर भी करेंगे कि गर्मी की शिद्दत के बावजूद जो जुम्मे की एक इस्तकबाल होता है, जो उसकी एक चाहत होती है, वो यकीनन उसका कोई सानी नहीं है। हकीकत फरमा रही है, जुम्मे का दिन जो है सैयदुल अय्याम है, और इस दिन जितनी हमें इबादत की जाए वो कम है। अल्लाह पाक हमें इस्तकामत अता फरमाए। बिल्कुल। अच्छा जी, हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले उनकी तरफ आते हैं। आज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, आप अक्सर इनको मेरे प्रोग्राम में देखते हैं, माहिर नफ्सियात हैं, और ख़ास तौर पे शिकस्त खोर्दा होने में और एक फतेह का या एक विनर्स एटीट्यूड रखने में जो फ़र्क होता है, उसमें क्या चीज़ मैटर करती है, नेचर या नर्चर, आपकी तरबियत या आपके हालात, इस पर हम बात करेंगे। नफ्सियात की रूह से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फराह आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम फराह, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। और आप ही के साथ दो ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो यहाँ पे कोही गोट अस्पताल को रिप्रेजेंट करी। आपको इसके बारे में बताते चलें कि एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जिसका इनेकाद 2005 में हुआ, जनाब अबू जफ़र और उनकी अहलिया डॉक्टर अतिया जफ़र के ख़ानदान की कोशिशों से। और शुरुआत में ये सिर्फ एक 40 बिस्तरों पे मुश्तमिल एक छोटा सा अस्पताल था, लेकिन वक्तन फवक्तन लोगों का, जैसे कहते हैं ना, कि एक कदम उठाया और चलते चले गए और कारवां बनता चला गया। अब ये 250 से ज़ायद बिस्तरों पर मुश्तमिल एक अस्पताल है जो चंद महीनों में इंशाल्लाह ताला 300 बेड्स पर चला जाएगा। और सिर्फ अगर इसके क़याम से लेके अभी तक बात की जाए, 4 लाख से ज़्यादा मरीज़ यहाँ पर मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। और सिर्फ अगर साल 2020 की बात की जाए तो 76,000 यानी 76,000 मरीज़ यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब होके गए हैं, जिसमें 5,000 ऑपरेशंस हैं, 3,000 से ज़्यादा बच्चों की पैदाइश है, 5,000 बच्चों को हिफाजती टीकों का लगाना है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो यकीनन एक बहुत बड़े हिस्से को हमारी आबादी के मुस्तफ़ीद करती हैं, और ये मोस्ट वल्नरेबल, मोस्ट अंडरसर्व्ड लोग
हैं पाकिस्तान के, तो हम वेलकम करना चाहेंगे. आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहीन ज़फ़र, आप गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं एंड यू आर ऑल्सो अ बोर्ड मेंबर ऑफ द कोही गोट हॉस्पिटल. बहुत शुक्रिया आपकी आमद का. आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जनाब सैयद इरफान कादरी साहब. आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया इरफान साहब फॉर बीइंग हियर. अच्छा जी, आपसे गुफ्तगू के आगाज़ से पहले एक छोटा सा हम डी टूर लेते हैं टूवर्ड्स द किचन. अस्सलाम वालेकुम सलमा जी, क्या हाल है? अस्सलाम, आपको जुम्मा बहुत मुबारक और सब देखने वालों को बहुत शुक्रिया. और आज ऐसा लग रहा है कि कोई ख़ास पकवान बनेगा. मुझे याद आ रहा है स्कूल का दिन, क्योंकि हमारे स्कूल के टाइम में फ्राइडे ऑफ हुआ करता था और फ्राइडे सैटरडे बड़े अहम थे, तो सुबह से ही जी वो नमाज़ की तैयारी. फिर इसके अलावा उस दिन यूजुअली मैंने देखा है कि पाकिस्तान के ज़्यादातर घरों में बिरयानी बनती थी. आज आप क्या बना रही हैं? अच्छा नहीं, मैं बना के दे रही हूँ आज आपको समोसा चाट, क्योंकि हमने बड़े दिनों से कोई चाट नहीं बनाई, तो समोसा चाट बनाएंगे और दूसरा साथ में चरगा कबाब. बिल्कुल, ज़रा डिफरेंट होगा टेस्ट, वही है जो ट्रेडिशनल चरगे का टेस्ट है, लेकिन यह है कि वो कबाब की सूरत में होगा. तो आज हम आपको चरगा कबाब खिलाएंगे. ज़बरदस्त. अच्छा जी, समोसा चाट में अक्सर अगर आपको कोई भी अभाम हो तो आप समोसा घर पे भी बना सकते हैं, वरना अगर मेरे जैसे आपको एक रेसिपी चाहते हैं तो समोसा बाहर से मंगाएं और बाकी कॉन्डिमेंट्स आप रेडी कर लें. सलमा जी कैसे बना रही हैं आपको बताएंगे, लेकिन आई एम सो सरप्राइज सलमा जी, इस वक्त जो किस्म किस्म के समोसे मिल रहे हैं ना मार्केट में, आई एम रियली इम्प्रेस बाय द वेराइटी. पनीर समोसा आपको मिलता है, आलू का समोसा तो खैर बेस्ट है ही, आपका फेवरेट कौन सा है? अच्छा नहीं, पनीर समोसा आपने कहा, मैंने अभी परसों ही अफ्तार में वो खाया और बहुत मज़ेदार लगा, डिफरेंट लगा. अच्छा मैं एक चीज़ समोसा बनाती हूँ बट वो चाइनीज़ स्टाइल में होता है, वो बहुत अच्छा मुझे लगता है. और एक बात है, आलू के समोसे के आगे कोई चीज़ नहीं. नहीं भाई, आलू के समोसे से ज़्यादा विनर मुझे तो पर्सनली लगता है वो कीमे का समोसा. कीमे का समोसा, उससे बेटर समोसा कोई नहीं हो सकता. लेकिन मैंने कल बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी, मैंने एक मकरोनी समोसा देखा. यानी पास्ता को लोगों ने समोसे में फिल कर दिया. माशाल्लाह जी, पाकिस्तान की इनोवेशन के क्या कहने. लेकिन वापस आते हैं हमारे मौजू पे जो कि है रिजिलियंस के हवाले से. डॉक्टर शाहीन, अगर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूं, आई एम श्योर कि जब इस अस्पताल की भी भागदौड़ आप लोगों ने संभाली हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी खुशी है जानकर कि विद एवरी पासिंग मंथ, विद एवरी पासिंग ईयर आपका जो इम्पैक्ट है, आपका जो इन्फ्लुएंस है लोकल कम्यूनिटी पर, वो बढ़ता चला जा रहा है और लोग मुस्तफीद हो रहे हैं. लेकिन क्या कभी ऐसा मोड़ आया, कोई ऐसा पड़ाव आया इस सफ़र में जहां आपको लगता हो कि आपको लग रहा था कि मुश्किलात बढ़ गई हैं, इट्स वेरी चैलेंजिंग टू गेट थ्रू इट? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमें टाइम देने का और इनवाइट करने का, थैंक यू वेरी मच. चैलेंज तो हर दिन होता है. बिल्कुल, हर रोज़ ही कोई ना कोई नया चैलेंज खड़ा होता है. सही. इसकी मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता दूँ, देन यू कैन अंडरस्टैंड बेटर के चैलेंजेस क्या क्या फेस किए हैं. ज़फ़र साहब और डॉक्टर अतिया ज़फ़र मेरे पेरेंट्स हैं जी, और डॉक्टर अतिया ज़फ़र ने बहुत गुर्बत में बहुत बाद में पढ़ के डॉक्टर बनी, 7-8 बच्चों के साथ डॉक्टर बनी और फिर सारे बच्चों को डॉक्टर बनाया. और फिर सारी फैमिली ने मिलकर तय किया कि ठीक है, हम लोग तो पढ़ लिए, डॉक्टर बन गए, अपने अपने स्टेटस से पहुँच गए, तो हमें करना क्या है, हमें सही हमारा काम तो अब क्या करना है दुनिया में, अब क्या करना है जी. तो फिर आगे दूसरों के लिए कम्युनिटी को वी हैव टू पे बैक. एब्सोल्युटली, हमने कम्युनिटी से जो कुछ हासिल किया हमें उसको पे बैक करना है. मेरे फादर का ये कहना था कि आपने पाकिस्तान में रह के सब कुछ किया तो आपको पाकिस्तान को रिटर्न करना है. तो हम सब बाहर गए, सब पढ़ के वापस आए और हमने ये चैरिटी हॉस्पिटल खोलने का प्रोजेक्ट बनाया जो कि लांडी के इलाके में है. सही. 16 एकड़ ज़मीन है जो कि ऑल प्राइवेट लैंड है, पूरी प्राइवेट लैंड हमने डोनेट करी हॉस्पिटल के लिए और ये पिछले 20 साल से तकरीबन काम कर रहा है. डॉक्टर साहब, इन द मॉडर्न डे, ये इस वक्त जो दौर हाज़िर का हमारा सबसे बड़ा मसला है द पेंडेमिक, मैं जानना चाहूँगी आप लोग 2005 से इस कम्युनिटी के साथ एक रिलेशनशिप है आपकी, आपके अस्पताल की, शऊर और आगही के बारे में क्या कहेंगे? यानी मैं इस बात पे बड़ी परेशान होती हूँ कि तमाम तर हुकूमती वसाइल, आप लोग, तमाम हस्पताल लोगों को इस वक्त कह रहे हैं कि एहतियात करें, SOPs इख्तियार करें. People are not paying heed. People are not paying heed. इसकी क्या वजह आप देखती हैं and how will that change? इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारी एजुकेशन का है ना, इलिटरेट सोसाइटी में तो फिर यही होता है. जब तक आप लिटरेसी रेट नहीं बढ़ेगा, जब तक यही होगा, और ये हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एम यही होना चाहिए जी, हेल्थ एंड एजुकेशन, जिस पे हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है काफ़ी कुछ कर रहे हैं. ये हॉस्पिटल जो है ये कोही गोट, गोट मीन्स गाँव जी, ये मलीर के सबर्ब में एक गाँव है, वहाँ ही हॉस्पिटल है. तो उसकी वजह से उस गांव के बच्चे काफ़ी पढ़ गए. वहाँ लड़कियों के लिए हम लोगों ने नर्सिंग ट्रेनिंग, मिडवाइफरी ट्रेनिंग, ये सारा कुछ शुरू किया हुआ है. ज़फ़र अतिया फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर में ये सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब तक प्राइमरी एजुकेशन ना हो
आप आगे कौम की तरक्की का सोच ही नहीं सकते नहीं। और आप देखें तो, कि एक ओएसएस होता है, जिस तरह हम कहते हैं कि घर में अगर एक माइक्रोवेव, एक फ्रिज या एक मोबाइल फ़ोन आ जाए तो उसकी वो उस घर की लाइफस्टाइल को बदल देता है, सोचने के अंदाज़ को बदल देता है। तो बिल्कुल उसी तरह ये जो हम देख सकते हैं कि रूही गोट अस्पताल, इसने उस पूरे एरिया के लोगों की सोच को बदला है। कितनी बच्चियाँ हैं, कितनी ख़वातीन हैं जिनको नर्सिंग के शोबे में अब एक तरह से अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। अगर एक डॉक्टर वहाँ पर मौजूद है तो आपको आगही दे रहा है कि कैसे सेहत के जो हिफ़ उसूल हैं उनको आप फॉलो कर सकें। इरफान साहब, लेकिन आप क्या कहेंगे खुसूसन कोविड के दौरान, जब हमने देखा कि एक लॉकडाउन सिचुएशन ऐसी भी आई कि ओपीडी बंद करना पड़ा, तो जो रेगुलर आपके मरीज़ थे जिनकी लिंगरिंग हेल्थ कंडीशंस थी या किसी भी वजह से उनको अस्पताल आना होता, आप लोगों ने किस तरह अपने ऑपरेशंस को मॉडिफाई किया? बहुत शुक्रिया आपका मौका देने का। हमने ओपीडी बंद नहीं की, सही, हॉस्पिटल मुसलसल काम करता रहा, लेकिन हमने अपने प्रोटोकॉल जो SOP सी उसको मेंटेन करने की कोशिश की, सही। और टफ टाइम था पूरे मुल्क में और अभी भी है, लेकिन मुझे याद है कि हमारी अभी करंट ओपीडी पर डे की लगभग 600 ओपीडी पर डे होती है, और उन दिनों हम हाफ पे चले गए थे, सही। और हम उन लोगों को ज़्यादा केयर देते थे जिनकी सर्जरीज हैं, जिनका बिल्कुल नियर डेज आ गए हैं, उनको हॉस्पिटल में होना चाहिए, उनको कोई, उनके लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं था। इरफान साहब, कोविड वार्ड भी है आपका? कोविड वार्ड हमने कुछ अर्से के लिए, कोविड बाद हमने अलग से किया, क्योंकि कोई पेशेंट ऐसे आते थे, लेबर में पेशेंट आ गया है और कोविड में है, कैसी माँ जो कराची का बहुत बड़ा अलमिया था, क्योंकि मैं इसके अलावा एक दो हॉस्पिटल और देखता रहा, एक्सपो में भी हमारा काम, एक्सपो में भी इन्वॉल्व था एज वॉलंटियर, तो हमने देखा कि ऐसी पेशेंट्स जो शुरू शुरू में कोरोना इंट्रोड्यूस हुआ और एक पेशेंट जो डिलीवर होने वाली है और मदर है, वो उसको कोई लेने के लिए तैयार नहीं था, एक खौफ था कि, तो फिर हमने सबसे पहले हमने प्राइवेट सेक्टर में पहला एक अतिया हॉस्पिटल में एक हमने एक प्राइवेट लेबर रूम बनाया जिसको नेगेटिव प्रेशर के साथ कोविड लेबर रूम कन्वर्ट किया ताकि किसी भी माँ को वापस ना भेजना पड़े। इसी तरह हमने कुई गोड में एक लेबर रूम सेपरेट किया कि कोई भी सिम्टम के साथ आए तो उसको डिलीवर करवाया जाएगा और उसके लिए पूरा एहतमाम किया जाएगा, जो मरीज़ को देख रहा है, जो डॉक्टर देख रही है, जो नर्स देख रही है, उसके पूरी प्रोटोकॉल्स मेंटेन किए जाएंगे। तो आई थिंक दिस इज हाईली कमेंडेबल, आई मीन हैट्स ऑफ टू यू फॉर कमिंग अप विद एन इनोवेटिव सॉल्यूशन टू अ यू नो अ रियल टाइम प्रॉब्लम। बाकी बात बिल्कुल सही है कि जचकी के दौरान अगर आप कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड यू आर अबाउट टू गो इनटू लेबर और आपको कोई अस्पताल ना ले, तो आप सोच सकते हैं कि कितने ट्रामा से, कितनी मुश्किल से खानदान गुजरता है। अच्छा जी, गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहेगा और आज एक बड़ा अहम मौजू, आज सहरी में मुझे फरा मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया, आपसे बल्कि इस पर कॉमेंट लेके मैं आगे बढ़ती हूँ, कि एक बड़ी मुश्किल ये है कि प्राइवेट अस्पतालों में जहां लोग कह रहे हैं कि एक कोविड पेशेंट के लिए फीस बहुत ज्यादा है, उसको लुक आफ्टर किया जा रहा है, लेकिन आइसोलेशन मेंटेन नहीं हो रही है। बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल फैमिली को कह देते हैं कि आप अपना एक अटेंडेंट हर वक्त अपने पेशेंट के साथ रखें, दैट इनहेरेंटली जितने ICU पेशेंट्स हैं उनको फर्दर उनका एक्सपोजर बढ़ा रहा है, क्योंकि अटेंडेंस आ रहे और जा रहे हैं। इस पर कोई बात नहीं कर रहा, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट कि जो लोग कोविड पॉजिटिव हैं उनकी जो निगहदाश्त हो रही है उसका प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, आप क्या समझती हैं? देखिए, मेरी बात इनिशियली मैंने नोटिस किया था कि लोग इस चीज़ को सीरियस लेते थे, बट देन ये एक टाइम पीरियड ऐसा आया कि हमारे यहाँ फियर इंड्यूस किया जाता है और फियर समटाइम्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर अनलेस एंड अनटिल ये अवेयरनेस ना क्रिएट की जाए कि आप अगर जाएंगे और फिर आप एक्सपोज हो रहे हैं और वापस जाके आप किसी ना किसी को लगा रहे हैं तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है। प्लस अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि हमने ये वैक्सीन ले ली है तो फिर नाउ वी आर गुड टू गो, वी डोंट हैव टू फॉलो द SOPs। सो ये थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, बिकॉज पहले भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की वजह से लोगों ने चीज़ें फॉलो की थी। नहीं, फरा बिल्कुल सही कह रही हैं, इज़ इट इवन राइट, यानी क्या ये बिल्कुल सही है प्राइवेट अस्पताल के लिए कि वो कहे भी या एक्सपेक्ट भी करे कि एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ उसका अटेंडेंट आना होगा? देखिए, आपका जो अमला है, हेल्थ केयर स्टाफ है, वो ट्रेंड है, उसके पास PPEs भी होंगी, उसको निगहदाश करना आती भी होगी, लेकिन शायद जो साथ आने वाला फैमिली मेम्बर है, अटेंडेंट है, वो ज़्यादा इमोशनल हो, उसकी सेफ्टी, उसका जो ख़तरे का लेवल है वो कई गुना ज़्यादा है। इस पर बात करेंगे जी, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे तो गौहर भाई से हमने खूबसूरत सी नात भी सुननी है। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। वेल
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। हमारे साथ मौजूद हैं द वंडरफुल टीम फ्रॉम द रूही गोट हॉस्पिटल, और इसके अलावा फरा भी हमारे साथ हैं। बात हम रेजिलियंस की कर रहे हैं, ट्रेनिंग की कर रहे हैं, यानी साल 2005 में एक ख्वाब देखा, एक सबसे अंडर सर्व्ड एरिया यानी लांडी के करीब एक गोट में इस हॉस्पिटल को इनिशिएट किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं कि 4 लाख से ज़ायद मरीज़ यहाँ पर मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, और सिर्फ साल 2020 में अगर देखा जाए तो 76,000 से ज़्यादा मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से सेहतियाब होके गए। अच्छा जी, इनसे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, और ख़ास तौर पे वो जो नर्सिंग ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट इन्होंने कायम किया है उससे क्या तब्दीली इर्द गिर्द के लोगों में और इस गोट में देख रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन गौहर भाई, आपकी तरफ आते हैं, जुम्मे की मुनासबत से एक खूबसूरत सा कलाम, रूह परवर कलाम हमें अल्लाह खैरन। गौहर भाई, यकीनन जब आप ये कलाम पढ़ते हैं तो एक समा बन जाता है। गुफ्तगू में दोबारा शामिल करना चाहेंगे इरफान साहब आपको और डॉक्टर साहबा आपको। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जब कूही गोट का आप लोगों ने हॉस्पिटल का इन्विजन किया आपकी फ़ैमिली ने, तो पहले शुरुआत तो अपने वसाइल से की होगी, और अब आपको लगता है जिस तरह आज भी हम अपील करना चाहेंगे इस प्रोग्राम के तवस्सुत से भी कि जो मुखय्यर अफराद इस सिलसिले में इस कारवां में शामिल होना चाहते हैं दे शुड कम फॉरवर्ड, लेकिन अब आपके एक्सपेंशन प्लान्स फॉरवर्ड क्या हैं? मुझे लगता है जो बेहतरीन चीज़ 2020 में हुई है कि लोगों को और ख़ास तौर पर कौमों को, रियासतों को, हुकूमतों को ये रियलाइज़ हुआ है कि सेहत कितना अहम शोबा है हमारे लिए। क्या आप समझती हैं कि कोई चेंज ओवर, एक बड़ा चेंज ओवर रहा है, एंड पर्सनली ऑर्गेनाइजेशनली को ही आगे एक्सपेंशन के क्या प्लान्स रखते हैं? हमारे मुल्क में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना सेहत के शोबे में, डॉक्टर्स की नहीं है, पैरामेडिक्स की है जी, नर्सेज, मिडवाइव्स, हेल्थ टेक्नीशियंस, जो कि हमारी गवर्नमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर भी इसमें बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। डॉक्टर्स तो बहुत हैं, मेडिकल कॉलेज तो बहुत बन रहे हैं, लेकिन पैरामेडिक्स का इतना नहीं है। इस पर हम लोगों का ज़्यादा फोकस है कोई गुट में। हमारे पास नर्सिंग कॉलेज भी स्टार्ट हो चुका है और मिडवाइफरी स्कूल जो हम 15 साल से चला रहे हैं, हर साल 100-150 लड़कियां मिडवाइफ बन के निकलती हैं। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 1,000 से ज़्यादा लड़कियां हैं जो मिडवाइफ बन के हमारे यहाँ से निकली हैं, और रिमोट एरियाज़ में, दूर दूर के इलाकों में, सिंध में, इवन चतराल तक में मिडवाइफरी सर्विसेज, तो मेटर्निटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। दैट मीन्स सेफ मदरहुड, मदर शुड बी सेफ व्हेन शी इज़ हैविंग अ बेबी, जो कि हमारे मुल्क में बहुत ही डिजास्ट्रस कंडीशन है। हमारा मेटरनल डेथ रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा है, मदर एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा दुनिया में टॉप पे हम इस मामले में, बिल्कुल, इसलिए कि दे आर नॉट बीइंग टेकन केयर ऑफ। तो ये जो ट्रेनिंग है ना, मिडवाइफरी ट्रेनिंग, ये हमारा शुरू से एक कॉन्सेप्ट था कि इसको डेवलप करना है, और अल्लाह का शुक्र 15 साल हो गए, बहुत सक्सेसफुली रन हो रहा है ये, और ऑफकोर्स दोस्तों के और साथियों के ताउन के साथ ही हो रहा है। हम लोग तो जो कर रहे हैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, अतिया हॉस्पिटल, जिसकी इनकम सारी इसमें जाती है कोई गोट में। कोई गोट हॉस्पिटल इज़ ए चैरिटी फ्री हॉस्पिटल, कोई कैश काउंटर नहीं है वहाँ, किसी पेशेंट से कभी कोई पैसे या किसी भी चीज़ के कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं। टोटल मिडवाइफरी सर्विसेज हैं, सारी सर्जिकल प्रोसीजर्स ओनली फॉर वुमेन, माम मेल का दाखिल एडमिशन नहीं होता, और बच्चों का न्यूनेटल यूनिट वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें जो आपने कहा ना कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इस वक्त जो हमें ज़रूरत है, वो बहुत ज़्यादा पैरामेडिक्स, नर्सिंग, मिडवाइफरी, टेक्नीशियंस, ऑपरेशन थिएटर, चेस्ट के टेक्नीशियन, हर किस्म के टेक्नीशियन की बहुत, और फौरी तिब्बी इमदाद के लिए भी हम अक्सर देखते हैं इरफान साहब। अक्सर ये देखा गया कि खुदा ना खासा पाकिस्तान में कहीं कोई ट्रेन का, बस का हादसा होता है, हमारे पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं है कि जब हम लोगों को रेस्क्यू कर रहे होते हैं। वी ऑल नो अबाउट मुनीबा मजारी, जिनका एक नियर फेटल एक्सीडेंट हुआ और सिर्फ उनको क्योंकि मिसहैंडल किया, द वे शी वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्राम दैट व्हीकल, उसकी वजह से लाइफ लॉन्ग के लिए शी इज़ बिन पैरालाइज। तो आप समझते हैं कि हुकूमत, यानी जैसे बात की जा रही है, पहले तो अभी डॉक्टर्स के भी मसाइल चल रहे थे, लोगों ने कहा जी गवर्नमेंट ने सीट्स कम कर दी हैं, बच्चों के लिए मुश्किल है डॉक्टर बन जाना, लेकिन पैरामेडिक्स की ट्रेनिंग के लिए, इस स्किल को एनहांस करने के लिए क्या हुकूमत तवज्जो दे रही है? मैं समझता हूँ इस फोरम पे हुकूमत के हवाले से गुफ्तगू करना शायद थोड़ा सा फजूल है, क्योंकि हुकूमत तो इसमें कोई तब्दीली नहीं ला सकती, क्योंकि मुखय्यर हजरात और जो इदारे में प्रोफेशनल लोग काम कर रहे हैं वो इसमें शायद आगे कुछ कर सकते हैं। मेरा जिन भी प्रोफेशनल इदारों से मेरा कांटेक्ट हुआ है और जिन लोगों से मैं मिला हूँ, जहाँ से ट्रेंड हुए हुए इमरजेंसी ट्रेंस पर्सनस निकले हैं, उनके खास पास खुद स्किल नहीं है। यहाँ डिग्रियाँ बिकती हैं, लोग दाखिले ले लेते हैं, सर्टिफिकेट ले लेते हैं, लेकिन उनको आता कुछ नहीं। विच ब्रिंग्स मी टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ही की गुफ्तगू से इरफान साहब, कि फिर जो मुख्तलिफ इदारे, जैसे आप लोग भी इस शोबे में ट्रेनिंग करा रहे हैं, ट्रेनिंग को स्टैंडर्डाइज कैसे किया? मैं इसी पे आना चाह रहा था, लोग शायद ने बहुत डिटेल में बात की, लेकिन उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत हाईलाइट करना चाहूँगा। जब तक अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं किए जाएंगे, हमारे यहाँ बहुत छोटे से लेवल से मिडवाइफरी, जनरल नर्सिंग, इन सब के साथ साथ हमें शुरू किया गया, तो हमने हेल्थ वर्कर शुरू किए,
और हेल्थ वर्कर गांव देहात की वो लड़कियां हैं जो मैट्रिक पास नहीं है सही, और वो हेल्थ वर्कर हमने हुनरमंद के नाम से इंट्रोड्यूस की और जिसके हम तकरीबन 12 से 15 बैच निकाल चुके हैं। वो कुछ नहीं जानती, घरों से उनको कुछ काम नहीं आता, लेकिन घर की वो लड़कियां हैं उनको लाके हमने गांव देहात की लड़कियों को एक्टिव किया। अच्छा, इसमें तो फिर मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि जब ये ट्रेनिंग वो पाती हैं तो अपने अंदर ना सिर्फ एक शऊर, एक एम्पावरमेंट भी फील करती होंगी, एक जरिया आमदन भी उनका बन जाता होगा। लेकिन अपने आप में भी आप देखें बंदे से कि व्हेन यू टीच अ वुमन, व्हेन यू एम्पावर अ वुमन, यू एम्पावर अनदर, यू नो, एंटायर विलेज, पूरी फैमिली को पॉवर्टी से बाहर निकाल लेती है। एब्सोल्युटली। एक चीज हम और मिस कर रहे हैं यहाँ पे, कुईकोट हॉस्पिटल जो हमने शुरू किया था उसमें एक बड़ा अहम किरदार था कि फिस्टुला के पेशेंट्स का, जिसके लिए हमने बहुत ज्यादा काम किया। फिस्टुला का पाकिस्तान में वाहिद नेशनल सेंटर है कुईकोट, पूरे पाकिस्तान में फिस्टुला रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के हवाले से 7 सेंटर डिफरेंट जगह काम कर रहे हैं मुल्क में। वो ख्वातीन जिच्चगी के दौरान फिस्टुला का शिकार हो जाती हैं और सारी ज़िंदगी अपना ज़िंदगी पेशाब बहता रहता है या पखाना पेशाब मिक्स आके आता रहता है, उनकी उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। तो एक खास फील्ड को, एक खास इशू को लेके आप लोग लेके चल रहे हैं, एंड यू नो यू आर एन एक्सपर्ट इन दैट, एंड यू आर राइट। अगर वाकई पाकिस्तान जैसी बड़ी आबादी के मुल्क को देखा जाए तो ये तमाम तर मसाइल हमारे लिए अहम है। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, डॉक्टर शाहीन साहबा हमारे साथ मौजूद होने के लिए, और एक दफ़ा फिर तमाम मुखय्यर अफराद को, क्योंकि रमज़ान का महीना है, इमदाद का महीना है, आप आगे बढ़िए और इनको हेल्प कीजिए। फरा हमारे साथ है, फरा से गुफ्तगू भी होती रहेगी, लेकिन ज़रा एक नज़र किचन की तरफ। अच्छा, किचन में मैं जा रही हूँ तो मैं क्रॉस कर रही हूँ हील्स को, दे हैव ग्रेट ट्रेंडी स्टाइलिश डिज़ाइन, यू कैन चेक दम आउट, और क्योंकि ईद है जो थी, शॉपिंग भी होनी है। अच्छा, आप मेरा वाला शॉर्टकट नहीं अपना रही हैं, आप समोसे फ्राई कर रही हैं, खुद बनाए भी खुद ही हैं आपने, बने भी खुद ही। हाँ, वो अलग अलग शेप और साइज के हैं इसलिए लग रहा है खुद बनाए। हमने जो भी चीज़ें आज तक आपको रेसिपीज दी हैं सब स्क्रैच से यहीं पे बनी हैं। वाह भाई वाह। और समोसे बिल्कुल रेडी हैं, और ये देखिए मैंने एक बनाया था आपको देखते हुए, मैंने कहा ये शायद आए मेरे पास किचन में तो जल्दी। अच्छा, से मुझे मुझे ये जल्दी से बताएं कि जब समोसा या कोई भी ऐसा आइटम जिसको हमने सील किया होता है तो कहा यह जाता है उसकी फिलिंग में चिकनाई यूज़ नहीं होगी वरना वो फट जाएगा, या उसमें मॉइस्चर वाली चीज़ नहीं यूज़ होगी, तो ये इसमें भी आपने फिर? नहीं, इसमें तो सिर्फ आलू, ये आलू के समोसे हैं। और आलू के समोसों के लिए मैं एक बात बताऊं, लोग प्याज डालते हैं, धनिया डालते हैं, इनमें आलू बजाते खुद जब मसाले के साथ बना होता है वो खुद बहुत अच्छा लगता है। और जी, वो एक तो फ्लेवर ये कितना है। चटपटा होगा, कितनी इसमें और मसाले चाट पड़ेंगे, कितने 12 मसालों की चाट बन रही है, 13 मसालों की, वो हम अभी जानेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फरा से भी बात करेंगे कि व्हाट मेक्स वन पर्सन मोर रेजिलिएंट देन द अदर। सो लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक एंड बी राइट बैक।